अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। जैसा कि आपको बताया हुआ है, दायरतुल बुरूज में सियारों की गर्दिश सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अगर आप दायरतुल बुरूज में सियारों की गर्दिश और नजरात को सही तौर पर समझ लें तो आप एक माहिर एस्ट्रोलॉजर की तरह अहकाम लगा सकते हैं और बहुत आसानी से जायचा रीड कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सियारा तारत की 12 बुरूज में गर्दिश के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताने जा रही हूँ। अतारत की दायरतुल बुरूज में गर्दिश किस तरह अहमियत की हामिल है, आइए जानते हैं। सियारा अतारत दीगर सियारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हसास सियारा है। जोहरा और कमर भी हसास हैं, मगर हकीकत यह है कि अतारत के असरात फौरी होते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा हसास सियारा कहा जाता है। सियारा अतारत जब भी किसी घर में होता है तो इस घर के असरात मुतल्लिका अफराद के ख्यालात बन जाते हैं, यानी जब यह खाना माल में हो तो इस वक्त मुतल्लिका अफराद सिर्फ और सिर्फ दौलत जमा करने का सोचते हैं, और जब यह खाना जोज में हो यानी सातवें खाने में हो तो इस वक्त मुतल्लिका अफराद अपनी शादी या इससे मुतल्लिक मसाइल के बारे में सोचते रहते हैं। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि अतारत दिमाग को जाहिर करता है, और दिमाग को जिस किस्म की खुराक फराहम की जाएगी वो इसी तरह की सोच को जन्म लेता है। यानी अगर आप गर्म चीज़ें खाएं तो आपको जल्द गुस्सा आने लगेगा और आपका दिमाग सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने का सोचेगा। इसीलिए सूफिया कराम अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखते थे और वो हमेशा सादा खुराक खाते थे ताकि इनका जहन भी पकीज़ा ख्यालात को जन्म दे सके। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अतारत की बुर्ज हमल में मौजूदगी आपके जायचे में क्या असरात मुरतब करती है। बुर्ज हमल में सियारा अतारत अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार करता है और मुतल्लिका अफराद को कुछ करने पर उकसाता रहता है। जिन अफराद के पैदाइशी जायचे में अतारत बुर्ज हमल में हो तो ऐसे लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत कामयाब हो सकते हैं। बुर्ज सौर में अतारत की मौजूदगी, बुर्ज सौर में अतारत अपने मनफी असरात दिखाता रहता है और मुतल्लिका अफराद सुस्त रवि और काहली का शिकार हो जाते हैं। जिन अफराद के पैदाइशी जायचे में अतारत बुर्ज सौर में मौजूद हो तो ऐसे लोग सिर्फ ख्यालात का ताना बाना बुनते रहते हैं और अमली काम कभी कभार ही करते हैं। ऐसे अफराद तब्दीली पसंद भी नहीं होते। बुरजोजा में अतारत की मौजूदगी, अतारत बुरजोजा का हाकिम सियारा है, इसलिए इस बुर्ज में ये अपनी तमाम आबोताब के साथ रुनुमा होता है। इस वक्त इसके मनफी असरात ना होने के बराबर हो जाते हैं, बहरानों की शिद्दत कम हो जाती है और तालीमी मैदान में भी कामयाबी हासिल होती है। जिन लोगों के पैदाइशी जायचे में अतारत बुरजोजा में मौजूद होता है तो ऐसे लोग बेहतरीन सफारतकार, वकील, अदीब साबित होते हैं। इसके अलावा ये लोग एक ही वक्त में कई हुनर जानते हैं और बयक वक्त दो तीन मैदानों में कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि ये लोग हर माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत रखते हैं और ये लोग इंतहाई ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। बुर्ज सरतान में अतारत की मौजूदगी, इस बुर्ज में अतारत अपने आप को पुरसकून महसूस नहीं करता, इसलिए इस बुर्ज के अफराद को फ्रस्ट्रेशन और जहनी कश्मकश में मुबतला रखता है और कई नफसियाती मसाइल जन्म लेते हैं। जिन अफराद के पैदाइशी जायचे में अतारत बुर्ज सरतान में मौजूद होता है तो ऐसे लोगों का हाफसा भी इंतहाई कमज़ोर होता है। ऐसे अफराद मसाइल की तह तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे अफराद सारे कदीमा से बड़ा लगाव रखते हैं। इन लोगों में सब्र का मादा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बुर्ज असद में अतारत की मौजूदगी, बुर्ज असद का हाकिम सियारा शमस है जो अतारत को एक नई जिंदगी और रोशनी अता करता है, जिससे अतारत भरपूर तौर पर अपने असरात मुतल्लिका अफराद पर डालता रहता है। बुर्ज असद अतारत के लिए सबसे पसंदीदा घर है क्योंकि बुर्ज असद एक साबित बुर्ज है जो कि अतारत की मुनकलिब खसूसियात को तवाजन में रखता है। जिन अफराद के पैदाइशी जायशे में अतारत बुर्ज असद में मौजूद हो तो ऐसे लोग मुतवाजन जहनी सलाहियत रखते हैं। इनका जहन कम ही सोचता है, जिससे ये अपने असल काम को भरपूर तवज्जो देकर पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। पुरसुमला में अतारत की मौजूदगी,
अतारत ना सिर्फ बुरसुमला का हाकिम सियारा है बल्कि बुरसुमला में अतारत को शरफ हासिल होता है, यानी इस बुर्ज में अतारत अपनी तमाम तर मस्बत सलाहितों के साथ जलवागर होता है। जिन अफराद के पैदायशी जायचे में अतारत बुरसुमला में मौजूद हो तो ऐसे लोग हर काम को बहुत जल्द सीखने की सलाहियत रखते हैं। इनको कोई भी मुश्किल या पेचीदा काम दिया जाए तो ये लोग अपनी जहनी सलाहियतों की बुनियाद पर इस कुत्ती को जल्द ही सुलझा लेते हैं। इन अफराद के मिजाज में एक मनफी पहलू ये होता है कि ये लोग अपने नजरिए के सामने किसी और के नजरिए को तस्लीम नहीं करते। बुर्ज मेसान में अतारत की मौजूदगी। बुर्ज मेसान का हाकिम सियारा जोहरा है, जिसकी वजह से इनके मुतल्लिका अफराद में नफासत, शाइस्तगी और नेकी का अंसर मौजूद होता है। अतारत के इस बुर्ज में आ जाने से इन सलाहितों का बजा तौर पर इजहार हो पाता है और लोग इनकी सलाहितों के गर्विदा हो जाते हैं। चूंकि बुर्ज मेज़ान का काम ही दो मुखालिफ कुव्वतों में तवाज़न पैदा करना है, इसलिए अतारत की मनफी खूबियाँ इस बुर्ज में आकर मतवाजन हो जाती हैं। बुर्ज अकरब में अतारत की मौजूदगी। इस बुर्ज में आकर अतारत को तकवीयत हासिल होती है, इसका फ़ायदा मुतलका फ़र्द को पहुँचता है, इसलिए इस दौरान में मुख्तलिफ काम पाया तकमील तक पहुँच सकते हैं। जिन लोगों के पैदायशी जायचे में अतारत बुर्ज अकरब में हो तो वो लोग इंतहाई आला जासूस और इंटेलिजेंट होते हैं। दुनिया के मशहूर जासूसों के पैदायशी जायचे में अतारत बुर्ज अकरब में पाया गया है। यही वो लोग होते हैं जो मुआशरे में इनकलाब बरपा कर सकते हैं। बुर्ज कोस में अतारत की मौजूदगी। अतारत की इस बुर्ज में आ जाने से मुतलका अफराद की सोच में पुख्तगी आती है। जिन अफराद के पैदायशी जायचे में अतारत बुर्ज कोस में मौजूद हो तो ऐसे लोग बेहतरीन बैंक मैनेजर साबित होते हैं। वक्त की चक्की में पिसकर इनकी सलाहितों में निखार आ जाता है और किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में आसानी हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी काम में नाकाम नहीं हो सकते। बुरजद्दी में अतारत की मौजूदगी। बुरजद्दी का हाकिम सियारा जोहल है, जो कि अपनी जफाकशी और सख्ती की वजह से मशहूर है। इसलिए ऐसे अफराद अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात तकद्दो करते हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। अतारत के इस बुर्ज में आ जाने से जोहल का सख्त और असूल पसंदाना मिजाज अतारत पर हावी हो जाता है, जिसका असर मुतलका अफराद पर पड़ता है। उनकी सोच और गुफ्तार में संजीदगी और पुख्तगी आ जाती है। जिन अफराद के पैदायशी जायचे में अतारत बुरजद्दी में मौजूद हो तो ऐसे लोग आर्ट और फिल्मों के शौकीन होते हैं और हमेशा नपीतुली गुफ्तगू ही करते हैं। बुरजदिल्लों में अतारत की मौजूदगी। बुरजदिल्लों का हाकिम सियारा भी सोहल है, इसलिए अतारत की बुरजदिल्लों में मौजूदगी के भी तकरीबन वही असरात हैं जो कि अतारत के बुरजद्दी में होने के हैं। लेकिन एक फ़र्क ये है कि अतारत जब ग्यारहवें घर में बुरजदिल्लों के साथ मिलता है तो इस वक्त इसकी कैफियत में कमी आ जाती है और कुछ मनफी असरात मुतलका अफराद पर पड़ते हैं। ऐसे अफराद जिनके पैदायशी जायचे में अतारत बुरजदिल्लों में मौजूद हो तो ऐसे लोग रूहानी उलूम में माहिर होते हैं। ये लोग हैप्नाटिज़म, टेलीपैथी, रेकी जैसे उलूम में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं। बुर्ज हूत में अतारत की मौजूदगी। ये वो बुर्ज है जहाँ पर अतारत को जवाल यानी हबूत होता है। जवाल यानी हबूत से मुराद ये है कि हबूत की हालत में सियारे ज़मीन से इस मकाम पर होते हैं जहाँ से सिर्फ इनके नहस असरात ही हम तक पहुँच सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके पैदायशी जायचे में अतारत बुर्ज हूत में मौजूद हो तो ऐसे लोग किसी हद तक नफसियाती बीमारियों का शिकार रहते हैं। इनकी जहनी हालत इस कदर मुतफक्कर होती है कि वो किसी भी मसला पर यकसुई से सोच विचार नहीं कर सकते। इंतहाई डिप्रेशन की वजह से ये लोग हर किसी को अपना दुश्मन समझते हैं। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको अतारत की 12 बुर्ज में गर्दिश के हवाले से बनाई गई मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बाकी तमाम सियारों की गर्दिश के 12 बुर्ज पे असरात के मुतल्लिक बताऊंगी। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।